जब भी किसी कॉलेज स्टूडेंट को आप अप्रोच करोगे तो सबसे पहले चीज चेक करनी है कि वो 18 ईयर्स का है कि नहीं है, ठीक है। 18 ईयर्स से नीचे हम दे नहीं सकते, सो ही विल नॉट बी एलिजिबल। तो आपको सबसे पहले चेक करना है 18 साल का है कि नहीं है। सेकेंड इज ही शुड बी दिल्ली एनसीआर कॉलेज स्टूडेंट, ओके। तो इसमें चेक ये करना है कि जो कॉलेज है, जिस कॉलेज से वो पढ़ रहा है, वो दिल्ली एनसीआर में है कि नहीं है। अगर वो दिल्ली एनसीआर में नहीं है तो ही विल नॉट बी एलिजिबल, ओके। तो उसको रिजेक्ट कर दो उसी वक्त। तीसरा चीज़ ये चेक करनी है कि वो कॉलेज में उसके 6 मंथ्स बचे होने चाहिए, ओके। अगर वो 6 मंथ्स नहीं है, ही इज़ गोइंग टू पास आउट, तो उसको फिर नहीं मिल सकता है कार्ड और ऐप, ओके। फोर्थ चीज़ है कि ही शुड बी ए रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट, ही शुड नॉट बी ए मतलब जो ओपन स्कूल से कर रहे हैं या फिर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। देन दी लास्ट वन इज दैट ही शुड हैव ए एंड्रॉयड फोन, ओके। रेड कार्पेट ऐप इज नॉट राइट नाउ ऑन iOS, तो यूज़र के पास होना चाहिए कि वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, ठीक है। जब आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं कि ये फिट्स टू ऑल दिस क्राइटेरिया, उसके बाद फिर आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करा दो, ठीक है। यू विल फिल ऑल दी फॉर्म एंड एवरीथिंग। फॉर्म भरने के बाद देन सेकेंड थिंग ही हैज़ टू डू इज़ पुट हिज सेल्फी। सेल्फी में उसको सेल्फी ऐसे लेनी है, यहाँ पे अपना कोई भी कॉलेज आईडी या फिर आधार कार्ड यहाँ पर रख के फिर सेल्फी लेनी है, ठीक है। थर्ड थिंग इज उसका कॉलेज आईडी, कॉलेज आईडी का फ्रंट एंड बैक डलवाना है, ठीक है। फोर्थ थिंग इज दैट उसका आधार कार्ड, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें आपको EKYC करना पड़ेगा यूज़र का। EKYC में क्या है, आधार कार्ड नंबर डालना है और देन एक OTP आएगा जो कि हमारा सिस्टम ऑटो रीड कर लेगा, और अगर वो हो जाता है तो उसका EKYC इज डन, हिज एंटायर एप्लीकेशन इज कम्प्लीट, ओके। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो है रिस्क अप्रूवल पे जाती है, ठीक है। रिस्क अप्रूवल टीम विल टेक लाइक एट मोस्ट 24 आवर्स टू अप्रूव दैट। सो उसके बाद उसका या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा या अप्रूवल हो जाएगा। अगर अप्रूवल हो जाता है देन यू कैन सेलिंग में कार्ड और यू कैन स्टार्ट यूजिंग दी है। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन।